हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है, कुछ फेयर गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग में ही कुछ हल्के से गैप्स हैं जो इंडिकेट करते हैं एक इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और जो एक बार काम करने की मन में ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी सभी फिंगर्स में ऐसे गैप हों। उसके साथ साथ फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह की छोटे साइज की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत ही मिलनसार नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाले होते हैं, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफी थिक हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं इनके बेस फैलेंजेस को, काफी अच्छी थिकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं ये फैलेंजेस, जो दर्शाते हैं कि ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहने वाला है। अब चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स लेंथ में काफी अच्छी हैं, और अगर हम इनकी वन बाय वन सभी फिंगर्स को चेक करें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। काफी अच्छी लेंथ में होना इस फिंगर का, अच्छे थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति कि जो एनर्जी एंड स्टैमिना है काफी अच्छा रहेगा, मेहनती टाइप की नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्क पर यकीन करने वाले होते हैं और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य और गुरु फिंगर की। यह गुरु फिंगर कहलाती है। गुरु फिंगर अगर थिकनेस में अच्छी हो, लेंथ वाइज भी अच्छी नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और धर्म कर्म के काम करने वाले और काफी अच्छी नॉलेज गेन करने वाले होते हैं। उसके साथ साथ अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में गुरु फिंगर से भी ज्यादा है। काफी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज देती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो, काफी अच्छी लेंथ में हो और लंबाई में गुरु फिंगर से भी ज्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी क्रिएटिव काम करने में कैपेबल रहते हैं। क्रिएटिविटी का लेवल हाई रहता है इनका, और उसके साथ साथ थोड़े से एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर भी होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा रहती है। इवन बड़े बड़े फैसले लेते समय थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जिस वजह से कई बार लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और यह फिंगर अगर लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं, जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगाने की इनकी प्रवृत्ति रह सकती है। ओवरऑल एक लंबी सूर्य रेखा यहां पर इनको लाभ देने वाली ही रहेगी। आगे बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। मर्करी फिंगर यहां पर अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा गैप यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। और लंबाई में यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच रही है। स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी अच्छे रहेंगे, और बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का स्ट्रांग रहता है जिनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिंगर्स के बाद चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है।
जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहां पर ज्यादा लो सेट नहीं हो पा रहा, सभी माउंट्स को जो स्पेस है काफी अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। चेक करते हैं इनके मर्करी माउंट से, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके मर्करी माउंट को स्पेस काफी अच्छी मिल पा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करकर, यह जो एरिया है मर्करी माउंट का एरिया है, अगर इस माउंट को अच्छी स्पेस मिले और हाथ में मर्करी रेखा उपलब्ध हो, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यह जो लाइन है मर्करी लाइन कहलाती है, और उसके साथ साथ इस एरिया में भी एक स्पोर्टिव लाइन चलती हुई मर्करी माउंट की तरफ पहुंच रही है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्मेंट स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए धन कमाने की काबिलियत रखता है और लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा सकता है बिजनेस के जरिए। उसी के साथ साथ दूसरी चीज देखने वाली है इनके मर्करी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर लंबाई में मौजूद हो तो यह हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग यहां पर 5 से 6 लाइनें हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी लंबी लंबी 5 से 6 लाइनें इस एरिया पर हो तो इन्हें हीलिंग लाइन का नाम दिया जाता है, और ऐसी लंबी रेखाएं अगर यहां पर हो तो नेटिव मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है और हेल्थ केयर फील्ड में भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट साइज्ड हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नेचर रहेगी, दूसरों की हेल्प करने वाली प्रवृत्ति इनके भीतर रहेगी, हीलिंग क्वालिटीज इनके भीतर काफी अच्छी रहेंगी, दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति में रहती है जिनके मर्करी माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, कर्मों से या अपने वचनों से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इस तरह की क्वालिटीज इनके भीतर आ जाती हैं। मर्करी माउंट यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब बात करते हैं सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं है, जिस वजह से यश मिलने में दिक्कत रहती है। नेटिव को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता अगर यह माउंट दब रहा हो। अगर इस माउंट के ऊपर लंबी रेखा मौजूद हो तो नेटिव को फेम जरूर मिलता है। यश से यहां मेरा मीनिंग है जब ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है जो बदले में रिवार्ड मिलता है, उसको हम यश कहते हैं, और जब नेटिव की पहचान सोसाइटी में होती है तो उसको हम फेम कह देते हैं। तो फेम अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पर एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा हार्ट लाइन के ऊपर, यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, इस रेखा के ऊपर ऊपर की तरफ आपको एक रेखा नजर आएगी, डीप कट लाइन है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होगा, काफी अच्छा फेम इनको लेटर एज में जाकर मिल पाएगा। अगर यही रेखा कुछ इस तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद होती तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेटर एज में चलकर 50s की एज में चलकर इन्हें काफी अच्छा फेम मिलने की संभावनाएं दर्शा रही है यह रेखा। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। शनि का जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है, जिसकी वजह से मेहनती नेचर रही है। दूसरे शब्दों में कहें कि इन्हें मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी, और साथ साथ शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है जो मिडल से चल रही है थैली के, कुछ इस तरह से एक शनि रेखा, लंबी शनि रेखा के रूप में आप देख सकते हैं, जो इंडिकेट करती है कि लगभग 30 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू होगी, और 30 से लेकर आगे तक काफी अच्छी प्रोग्रेस निरंतर चलती रहेगी। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी लाइन आपको दोनों तरफ नजर आ रही होगी, ऐसी रेखाएं जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है। यह एक्चुअल में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है, पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस उसको हम कहेंगे। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। अगर एक ऐसे जैसे मैंने रेड कलर में एक सर्कल, सेमी सर्कल बनाया है, आधा चंद्रमा बनाया है, तो ऐसा अगर चंद्रमा जैसी शेप किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाती है तो इसको गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, और जो शुक्र की खूबियां व्यक्ति के भीतर ज्यादा होती हैं। यहां पर यह कुछ अधूरा यहां पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहेंगी, और यह गर्डल ऑफ वीनस अधूरा हो तो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। नेटिव का जो झुकाव है वो एंटीसेक्स के प्रति ज्यादा रह सकता है, और मूडी टाइप की नेचर होने की संभावना इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस देता है। आगे चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को। गुरु माउंट का जो एरिया है यह आप देख सकते हैं काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव ज्ञानवान होता है, स्पिरिचुअल टाइप का होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर गुरु माउंट की तरफ बढ़ती एक रेखा आप देख सकते हैं, ऐसी एक लंबी रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसी रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस लाइंस की। आप देख सकते हैं काफी सारी स्ट्रेस लाइंस इनके हाथ में मौजूद हैं जो लाइफ में हर्डल्स भी देंगी। यह जो लाइन है लाइफ ऑफ लाइफ है,
इस लाइन को टच करती हुई स्ट्रेस की लाइंस लगभग यहां पर 36 की एज तक नजर आ रही हैं। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी साथ में रहेंगी, प्रोग्रेस तो रहेगी लेकिन साथ साथ अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। और इसी तरह की स्ट्रेस लाइंस इनके शुक्र माउंट के ऊपर भी यहां आप देख सकते हैं, काफी सारी स्ट्रेस लाइंस फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं। जब वीनस माउंट के ऊपर ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद हों, वरी लाइंस मौजूद हों, तो नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, कंपैटिबिलिटी में इश्यूज रह सकते हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं देती हैं। अदरवाइज वीनस माउंट अच्छा है इनका, जिस वजह से लाइफ में सुख सुविधाएं हर तरह की व्यक्ति को मिल जाती हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन की अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई हार्ट लाइन, इस तरह का चिन्ह जिसकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में खूब तरक्की कर पाते हैं। लेकिन तभी कर पाते हैं जब सच्चाई के रास्ते पर चलें, ऑनेस्टी से काम करें। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में अड़चने ही अड़चने आ जाती हैं और प्रोग्रेस रुक जाती है। तो दोस्तों जिनकी भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं, कभी भी गलत रास्ते पर चलकर पैसा कमाने की कोशिश ना करें। हार्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें यहां पर आप देख सकते हैं आने की संभावना है। लेटर एज में चलकर हार्ट की लाइन थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, जिस वजह से इन्हें अपने हार्ट की हेल्थ का भी खास ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन काफी अच्छी है, इस तरह से लंबाई में है, थोड़ा सा झुकी हुई, बिल्कुल माइंड लाइन के और हार्ट लाइन के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। इस क्रॉस को काफी लकी माना जाता है दोस्तों, सिक्स सेंस का क्रॉस इसको कहते हैं, मिस्टिक क्रॉस इसको कहते हैं, जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पा जाते हैं। जिनके हाथ पर इस तरह का एक मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह कंप्लीट बन रहा हो, इस तरह के क्रॉस होने से ऐसे व्यक्ति रुचि रखते हैं अकल्ट चीजों में भी, अकल्ट साइंसेस में, अकल्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तंत्र मंत्र विद्याएं हैं, ऐसी चीजों में ऐसे व्यक्ति की रुचि काफी ज्यादा हो सकती है इस तरह का चिन्ह होने की वजह से। और ओवरऑल माइंड की लाइन काफी अच्छी है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रहेगी। बात करते हैं लाइफ की लाइन की। अब देख सकते हैं लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी लंबाई में, बेशक कुछ ऐसी स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से थोड़ी हेल्थ में भी वीकनेस रह सकती है। और लंबी यहाँ पर लाइफ की लाइन एक लंबी एज को भी इंडिकेट करती है, 80 प्लस की एज रहेगी इनकी। यहां से एक रेखा का बाहर की तरफ चलना लंबी दूरी की यात्राओं को शो करता है, साथ ही साथ इस तरह की रेखा का होना जो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको नजर आएगी, वीएल सीवियर लाइन इस तरह की रेखा को कहते हैं, एडिक्शन होने की संभावनाओं को भी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसी रेखा चंद्र माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को एडिक्शन से बचना चाहिए, किसी भी ऐसी नशे वाली चीज के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसी चीजों की एडिक्शन होने की संभावना रहती है। प्लस यह जो रेखा है, जो आड़ी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, थोड़ी एंग्जाइटी देती है नेटिव को, एलर्जी होने की संभावनाओं को भी यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना चंद्र माउंट के ऊपर, आड़ी रेखाओं का होना दर्शाता है कि थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी। लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती हैं और खास तौर पर जब इस तरह का चिन्ह बन जाता है यहाँ पर ऐसे गुलाई में, इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करता है, विदेश यात्रा करने की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती हैं। तो यह है कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।